नमस्कार दोस्तों, पल पल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सर्दी का मौसम आ गया है, तो सर्दी के मौसम में हम अपने किचन में अलग अलग वेजिटेबल्स बनाना पसंद करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, लगभग सभी जगह पर सरसों का साग सभी लोग, बड़े बच्चे सभी खाना पसंद करते हैं। तो आइए, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सरसों का साग बनाने की रेसिपी। हम आपको बताते हैं कि सरसों का साग किस तरह से बनाया जाता है, इसकी क्या प्रोसेसिंग होती है। तो सबसे पहले लगभग हम यहाँ पर 1 किलो साग लेंगे सरसों का। तो इसमें पालक भी डाली जाती है, कुछ लोग इसमें मेथी डालते हैं और बथुआ भी डालते हैं, और हम अपने टेस्ट के अनुसार इसमें लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, इन सभी चीज़ों को कट करके डाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सरसों के साग की मेन ये गंदल होती है, इनको साफ करके इस तरह से इनको साफ किया जाता है। तो कुछ लोग इसे चाकू से काट लेते हैं और कुछ इस तरह से, इसको छोटा टोका होता है तो इससे इसे काट कर इस तरह से इसे काटा जाता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरसों का साग काटा जाता है। इस तरह से इसे काट कर इस तरह से हम सरसों के साग को काट लेते हैं। इसे काट कर और एक बड़े बर्तन में रख लेते हैं ताकि इसे अच्छे से वॉश कर सके। इस तरह से पालक, बथुआ और सरसों का साग, तीनों चीज़ इसे एक बर्तन में रख कर, बड़े बर्तन में रख लेते हैं ताकि इसे अच्छे से हम वॉश कर पाएँ। इस बड़े बर्तन में धोने में इजीली रहेगा। इसे 2-3 पानी में अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसे बॉयल किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि सरसों के साग को काट कर हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से वॉश किया है हमने। तो ये हरी मिर्च है, इसे कट कर लिया है। ये सभी कुछ मैंने धो लिया है। तो ये लहसुन है, ये अदरक के कुछ टुकड़े हैं, जिससे कि सरसों के साग का टेस्ट डबल हो जाता है। तो ये हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये कट किया हुआ सरसों का साग हम इसे कुकर में डालकर बॉयल करेंगे। इसे कट करने के बाद हम जो वॉश करते हैं तो इसमें थोड़ा पानी रह जाता है, तो इसलिए इसमें अलग से पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन, नमक टेस्ट अनुसार हम डाल सकते हैं। बॉयल होने के बाद हम इसे तड़का लगाते हैं। जब तड़का लगाते टाइम भी इसमें नमक डालते हैं, इसलिए इसमें नमक स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही डालना चाहिए। तो ये सारा कुछ मैंने ऐड करके अब इसे चालीस से 45 मिनट के लिए हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे बॉयल करेंगे। अब इसे हाई फ्लेम पर बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 40 से 45 मिनट में ये बॉयल होकर रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसे बॉयल होने के लिए छोड़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं, हमारा सरसों का साग उबल कर तैयार हो गया है।
अब हमने इसको पहले 40 से 45 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए छोड़ दिया था, वो अब लगभग 45 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे खोल कर देखते हैं, ये उबल कर तैयार हो चुका है। लगभग इस तरह से इसे देख लेंगे कि ये सॉफ्ट हो चुका है। अब ये बॉयल होकर तैयार हो गया है, तो इसको मथने के लिए ये बाउल में मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है। आप चाहें तो मक्की का आटा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें बेसन डालकर इस तरह से साथ साथ में ये मिक्स हो जाएगा और इस तरह से इसे मथने से मथ लेंगे। इस तरह से घोट कर सॉफ्ट तो ये ऑलरेडी हो ही चुका है, लेकिन अब इसे बारीक एक तरह से पीस लेंगे। इस तरह से एक ही वे में इसको घुमाते जाना है। ये मथने की सहायता से इस तरह से इसको घुमाते रहें। सरसों का साग अब बॉयल होने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि अब इसको हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने क्या क्या सामग्री ली है। सबसे पहले हमने लिया है 2 कटी हुई प्याज, 2 कटे हुए टमाटर, रेड चिल्ली, ये टेस्ट के अनुसार हम डाल सकते हैं, धनिया पाउडर। सबसे पहले एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें देसी घी डालेंगे। आप चाहिए तो तेल भी डाल सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है। देसी घी को हम हल्का गर्म होने के लिए आधा मिनट छोड़ देते हैं। गर्म होने के बाद सबसे पहले हम इसमें कटे हुए प्याज, डाल देते हैं। इसको ब्राउन होने तक हम चलाते रहते हैं। टमाटर डाल देंगे, ये मेरे पास 2 कटे हुए टमाटर हैं। प्याज के बीच में ये टमाटर को भी हम अच्छी तरह भून लेते हैं। अब ये हमारा मसाला पूरी तरह से भूनकर तैयार हो गया है तड़का। ग्रीन चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर सॉरी, ये हम अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच डाला है, ये धनिया पाउडर है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, ऑप्शन होता है अपने। फ्लेम थोड़ी कम कर देंगे। ये साग मंथने के बाद अभी इसमें हम डाल देंगे, तड़के में ऐड कर देंगे। सरसों के साग को हम काफी दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, लगभग 4-5 दिन तक। सर्दी के मौसम में यह खराब नहीं होता है। तड़के में डालने के बाद साग लगभग इस तरह का टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा कलर आया है। अब ये साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको हम गर्मा गर्म परोसते हैं। इसे मक्की की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है पंजाबी। सरसों का साग यह हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अक्सर खाना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी डालकर भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो आप कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि हमारे साग की रेसिपी आपको कैसी लगी। पंजाबी सरसों का साग आप चाहें तो मक्की की रोटी के साथ या बाजरे की रोटी के साथ भी खाएं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।